भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी की वापसी की लगातार खबरें आती रहती हैं, जहां एक तरफ फैंस को अभी भी भरोसा है कि वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, तो वहीं पूर्व क्रिकेटर्स अभी भी मानते हैं कि उनकी वापसी बेहद मुश्किल है। धोनी साल 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार के बाद टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब IPL रद्द होने के बाद धोनी की वापसी एक बार फिर से मुश्किल होगी। अब पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कह दिया है कि वो धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2020 में देखना चाहते हैं, लेकिन ये बेहद मुश्किल है और अब धोनी शायद ही खेल पाए। उन्होंने कहा है कि धोनी एक बेहद शांत किस्म के खिलाड़ी हैं और वो शांत तरीके से ही रिटायरमेंट लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर MS धोनी का IPL शानदार रहा तो वो जरूर टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब IPL के रद्द होने के आसार को देखते हुए धोनी इसमें भी पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां IPL से सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होगा तो वो MS धोनी ही हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, IPL के रद्द होने से क्या टीम इंडिया में धोनी की वापसी हो पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट कर जरूर दीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।